शुभोदय बच्चों, आज आपका पाठ है नाना साहब की कुटी। यह स्वतंत्रता आंदोलन से पहले है, मीन्स स्वतंत्र मातृभूमि के लिए, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के बारे में है प्रस्तुत ये पाठ नाना साहब की पुत्री। कि इसमें ये चपला देवी ने क्या लिखा है वो उसके बारे में तो बताए। द्विवेदी युग के लेखिकाओं के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन के गति दी है। गति का मतलब क्या है, वो उसको आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन तो किया है, लेकिन जिस प्रकार का पुरुषों का लेखकों के बारे में बताया गया वैसे स्त्रियों के बारे में तो इधर भी जिक्र नहीं किया गया है। उस समय की है ये चपला देवी भी है, उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी है और कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में और दर्ज होने का वंचित रह जाते हैं और चपला देवी भी उनमें से एक है। इसमें क्या है, अनेक बार क्या किया जाता है, स्त्रियों के इतिहास में उतना महत्व नहीं दिया जाता, ज़्यादा पुरुषों को ही दिया जाने की वजह से क्या हो गया, पुरुषों को ही दिया गया है और स्त्रियों के बारे में तो नहीं बताया गया है। इसके बारे में बताया गया चपला देवी भी उनमें से एक है, ऐसा वंचित करने वालों में ये औरत भी एक है। और ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता और बंदूकबंद नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नहीं सिपाही थी, और नहीं सिपाही थी, नहीं बोले तो छोटी, और 57 बोले तो फर्स्ट रिवॉर्ड में 1857 ये फर्स्ट रिवॉर्ड के समय में क्या हो गया है, प्रथम बार में वही क्या है वो अंग्रेजों के विरुद्ध सेना ने वो आवाज़ उठाई है, उस समय का है ये कहानी। और उसमें क्या है, भाग लेने वाली एक नाना साहब धुंधुबंद की नाना साहब की पुत्री है मैना, एक छोटी लड़की है, वो भी किस प्रकार का स्वतंत्रता में भाग लिया है उसके बारे में बताया जाता है इसमें। और वो ये बालिका मैना तो आज़ादी ने नन्ही सिपाही थी और जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। अरे लड़की छोटी है और इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना, ऐसा नहीं सोचा है, वो लड़की को उन लोगों ने मार कर धराशय करा दिया, इधर धराशय ने जलाकर भस्म कर दिया। देखो कितनी दुर्व्यवहार किया है अंग्रेजों ने। और बालिका मैना ने बलिदान की कहानी की चपला देवी ने इस गद्य रचना के प्रस्तुत किया है। ये उस समय की वो लड़की की और नन्ही सी लड़की की कहानी लेकर चपला देवी ने लिखी है। और वो यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टर्स के प्रारंभिक रूप में कहा जाने। रिपोर्टर्स क्या है, वो उदाहरण के लिए कुछ भी बाहर माहौल है तो उसके बारे में क्या करते, जगह जगह जाके रिपोर्टर्स रिपोर्टर्स के रूप में समाचार लिखे लाते हैं, समाचार पत्रों में छापा जाता है, वैसा ये कहानी है। ये भी नाना साहब की पुत्री, इन्होंने रिपोर्टर्स की तरीके से लिखी है। वो इसमें दिया गया है वो उस 1857 बोले तो झांसी लक्ष्मीबाई, उसको तो पहले लिया जाता है नाम। रानी गई सिद्धार्थिता अब भी उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता की नारी। ये अन्य कोई भी नहीं है, झांसी लक्ष्मीबाई। बचपन से ही लक्ष्मीबाई ने क्या है, एक छोटी सी सेना को तैयार की, क्योंकि दुष्ट अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे ये बात उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारे ग्रुप क्या है, व्यापार करने के लिए आया और हमारे लोगों को बहकाव में डालकर एक एक को अपने हस्तगत करके लोगों को बहुत सताने लगा, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं की है रानी लक्ष्मीबाई। मनुबाई कहा जाता है पहले में, बाद में क्या है झांसी के राजा के शादी होने के बाद नाम पड़ा है लक्ष्मीबाई। लेकिन लक्ष्मीबाई ने क्या है, वो मनुबाई छोटे उम्र में लड़कियों को, असल में लड़कियां क्या करते हैं, गुड्डा गुड्डे के खेल खेलते हैं या क्या है वो खाना पकाने के खेल ऐसा खेलते हैं, लेकिन लक्ष्मीबाई ऐसे खेलों को छोड़कर उन्होंने क्या किया है, सदा निरंतर उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए हम भी कम नहीं है, हम भी भाग लेना है, उन दस्त अंग्रेजों को देश से भगाना है, ऐसा छोटे लड़कियों के साथ वो खेलों खेलती है। वो क्या है, वो घुड़सवार करना और ये सभी प्रकार का व्यवहार करती थी लक्ष्मीबाई।
और ऊपर से क्या है, लक्ष्मीबाई ने अपने बचपन से ही तलवार चलाना, तीर चलाना, भाले चलाना ये पूरा सीख लिया है। इसीलिए सिधर रानी गई सिधर, चिता अब भी उसकी दिव्य सवारी। वो अभी क्या है, वो हम लोगों को उनकी चिता ही वो दिव्य सवारी है। और तेज से तेज मिली है वो उन्होंने, और सच्ची अधिकारी, सच में देखें तो सही अर्थों में रानी लक्ष्मीबाई एक अधिकारी उनके नाम से। अभी उम्र कुल 23 के हैं, उनका 23 है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन क्या है, वो मनुष्य की अवतारी, मनुष्य भगवान ने साक्षात मनुष्य के अवतार में आकर हमारी सहायता, मनुष्यों की सहायता करने आए हैं, हमको जीवित कराने आए हैं, हम सभी लोगों को अपने स्वतंत्रता के बल पर जीने के लिए आई है वो। ऐसी रानी कोई अन्य नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई। ऊपर दी गई पंक्तियों किसके वर्णन है, अनुमान नहीं है, लक्ष्मीबाई का है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। और कवयित्री ने रानी के बारे में मनुष्य नहीं अवतारी क्यों कहा है, क्योंकि मनुष्यों के अंदर जो असामान्य मनुष्यों में और ये इसमें थोड़ा अंतर है। इन्होंने देशवासियों के लिए जिया, हम अपने लिए जीते हैं, ये है अंतर। कुछ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हमसे, स्वतंत्रता सेनानियों के अनगिनत लोग हैं वो, भगत सिंह ले लो, अलूरी सीताराम राज ले लो, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ले लो, गांधी ले लो, सब लोग उसी के नीचे आते हैं। उन लोगों ने, सभी लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों, सुभाष चंद्र बोस, देखो एक सेना को ही तैयार किया है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है उन लोगों को, मुंह तोड़ जवाब, एक बूंद का खून आप दो और आप लोगों को मैं आजादी देता हूँ, ऐसा कहा है ये इन्होंने। वैसा महान व्यक्तियों का है हमारा, क्या है धरती, ये धरती माँ के गर्भ से क्या है, अनेक रंग मेहनत किए, अपने प्राणों को आहुति देकर देश की रक्षा में क्या है वो कायम रखे हैं, ऐसे महान वीरों का है ये देश। इसमें क्या है, वो भूमिका में क्या बताया गया है, मातृभूमि का स्वतंत्रता और उसके रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं उनके जीवन का आकर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का अर्पण करने वाले सभी लोग हमारे लिए शिरोधार्य हैं, उनका जीवन हमारे लिए अनुकरण योग्य है। कारण क्या है, जब भी देश की बारी आए तो हम पहले किसको लेना है, मातृभूमि की रक्षा में ही आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना है। और गौरवशैली किंतु विस्मृत परंपरा के किशोर पीढ़ी की परिचित कराने के उद्देश्य में इस रचना हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया, मतलब हिंदू पंच के और बलिदान अंक में से लिया गया। बलिदान बोले तो अपने आप को अर्पण करना, त्याग करना। और हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप में विद्यार्थी जान पाए, इसीलिए इस रचना का मुद्रण और वर्तनी में अधिक परिवर्तित नहीं किया गया। जिस प्रकार का है वो रचना में वैसे की वैसे ही लिया गया है। प्रस्तुत ये पाठ क्या है, वो नाना साहब की पुत्री। इसमें किसके बारे में बताया गया है, वो एक नारी। वो नारी भी कौन है, वो एक छोटी सी 13 वर्ष की छोटी सी लड़की, किस प्रकार मैना ने देश के लिए अपने प्राणों को आहुति दी। और इधर आहुति दी बोले ने इनको जेलों में डाला, ऐसा नहीं किया है, दुष्ट अंग्रेजों ने उसे जलाकर राख बना दिया है, उसी से संबंधित है। प्रस्तुत ये कहानी 1857 की है, 1857 का है, उस समय हमारे देशवासियों के साथ उन लोगों ने किस प्रकार का व्यवहार किया है उससे संबंधित है प्रस्तुत ये पाठ। ओके बच्चों, और आगे के एक पार्ट में क्या है वो, उसमें क्या बताया गया है वो, और ये इसमें क्या है वो, 57 में वो उसी समय क्या है जोर पकड़ा है आंदोलन, एक एक जगह से एक एक लोगों ने क्या है धीरे धीरे आवाज उठाने लगी है वो रानी लक्ष्मीबाई के प्रोत्साहन से। एक नारी होकर उन्होंने किए तो हम और मर्द होकर क्यों नहीं है, ऐसा उनके सहयोग देकर जगह जगह से आकर वो जागृत हुई है, तब से जोर पकड़ी है। फिर ये 1857 में तो जोर पकड़ने के बाद में भी एक जगह में रुक गया, बाद में क्या हो गया, जोर पकड़ा है, उसके आगे के बारे में अगली कक्षा में बता दें बच्चों। धन्यवाद।